व्यूअर स्टूडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट द गिवन ज्योमेट्रिक शेप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। गो टू इंसर्ट टैब, शेप सेलेक्ट करें और यहां से न्यू ड्राइंग कैनवास सेलेक्ट करें और फिर इसके बाद गो टू शेप फिल, सेलेक्ट नो फिल, सेलेक्ट शेप आउटलाइन ब्लैक एंड सेलेक्ट द वेट दैट इज 2.5। फिर इसके बाद व्यू टैब पर चले जाएं, ग्रिड लाइन विजिबल करें। ग्रिड लाइन विजिबल करने के बाद गो टू इंसर्ट टैब, शेप सेलेक्ट सर्कल और इस सर्कल को इस कैनवस के दरमियान आप ड्रा करें। शेप फिल कलर, नो फिल कलर और शेप आउटलाइन ब्लैक कलर यहां से सेलेक्ट करें। देन गो टू इंसर्ट टैब, सेलेक्ट शेप, सेलेक्ट ट्राइंगल शेप, इसको मैं यहाँ से ड्रा करना चाहता हूँ बाय होल्डिंग द अल्ट की एंड माउस लेफ्ट की और फिर इसके बाद अल्ट की को आप रिलीज़ करें और शेप को ऊपर की तरफ ले जाएं ताकि ये सर्कल के साथ लग जाए अपर कॉर्नर के साथ। शेप फिल कलर सेलेक्ट करें, नो फिल कलर, शेप आउटलाइन सेलेक्ट करें ब्लैक कलर, ठीक है। फिर इसके बाद इस शेप का मैं डुप्लीकेट लेना चाहता हूँ बाई प्रेसिंग कंट्रोल प्लस डी। देन इस शेप को सेंट्रलाइज करें दोनों को और इस शेप को थोड़ा सा साइज इसका स्मॉल करें, ठीक है। फ्रॉम द माउस लेफ्ट बटन ये सेंटर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसको आप छोड़ें, देन गो टू इंसर्ट टैब, सेलेक्ट शेप, ड्रा अ लाइन। लाइन आप ड्रा करें फ्रॉम दिस कॉर्नर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू द बॉटम वन पॉइंट। सर लाइन का कलर ब्लैक सेलेक्ट करें, वेट इसका आप सेलेक्ट करें दैट इज 1 पॉइंट। ये शेप कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद मैं कैनवस का साइज जो है ये मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहता हूँ। इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं हर एक पॉइंट के लिए लेबल टाइप करूँगा। इसका शेप फिल और शेप आउटलाइन ये आप चेंज करें और यहाँ से टाइप करें ए। फिर इसके बाद इसके प्रॉपर्टी पे आप चले जाएं, शेप स्टाइल के प्रॉपर्टीज़ पर और यहाँ से लेफ्ट राइट टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन ये आप सेलेक्ट करें 0। अगेन इसको आप कॉपी करें फॉर द अदर पॉइंट्स और इसको आप नेम दे दें दैट इज़ बी सी एंड डी और द फाइनल वन द लास्ट वन इज़ ओ दैट इज़ सेंटर। अगेन गो टू व्यू टैब, इनविजिबल द ग्रिड लाइन और जो कैनवस है इसको थोड़ा सा आप स्मॉल करें, इसका साइज आप स्मॉल करें, ठीक है। अगेन इसके बॉर्डर पर आप क्लिक करें, गो टू फॉर्मेट टैब, सेलेक्ट शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। व्यूअर इस वीडियो में हमने सीखा हाउ टू कंस्ट्रक्ट द गिवन ज्योमेट्रिक शेप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। थैंक्स फॉर वॉचिंग।